जस टीवी देख रहे हो तुसीं, मैं केपी सिंह व्यू पॉइंट में तुहाडा सब का स्वागत करदा। पंजाब की सियासत दे विच नित दिन नवे समीकरण सामने आ रहे हैं। इन्हां समीकरणां दे विचाले जिहड़ी बहुजन समाज पार्टी आ श्रोमणी अकाली दल नाल जा रही है ते भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल नालों वख है। इस वेले कांग्रेस आपदे बूते ते चोणां लड़न दे विच रुझी हुई है, कांग्रेस आपदा कलेश हैगा। पर भारतीय जनता पार्टी कहिंदी 117 सीटां ते चोण लड़ा के वह भी इकल्ले। तो जदों किसान संघर्ष चलता पिया होवे ते श्रोमणी अकाली दल नाल गठजोड़ टुट चुका होवे, उदों बीजेपी के इन बयानों से सवाल उठते हैं कि बीजेपी के विच अंदरूनी कलेश भी हैगा ते उस सब दे विचाले बीजेपी 117 सीटां ते चोण कि मिल रहेगी। इस बाबत गलबात करांगे। 2022 लई बीजेपी का प्लान की? ये सारे मुद्दे से गलबात करने के लिए साढ़े बहुत ही खास मेहमान मौजूद ने, साबका कैबिनेट मंत्री, बहुत ही सीनियर आगू, पंजाब लीडरशिप के बहुत बड़ा नाम, मदन मोहन मित्तल। मदन मोहन मित्तल जी, सर बहुत स्वागत है सर थोड़ा। बहुत धन्यवाद जी। मित्तल साहब, 117 सीटा कैंडिडेट कितों लैके आओगे? मैं सीधे सवाल कर रहा सर थोनों। 117 सीटा जो लड़न का टीचा बनाया, वो कैंडीडेटा रख के ही ध्यान चुना है। साढ़े कैंडीडेट्स के साड़ी पार्टी के वर्कर इस गल का बड़ा क्रिटिसिजम था और बड़ा इस गलते हो औखे सी कि भी सू 23 सीटा की लड़ाई जन्ने दे वांटी टू एनहांस द सीट्स। मैं उदो फिर क्या कि भी अकाली दल में देवे अभी 58, असी लड़ा 59 उदो 50% की गल हुई थी और साढ़े वास्ते अलग होना बड़ा औखा सी। कोई बादल साहब के नाल बड़े अच्छे संबंध थे पार्टी के साथ नेतावान के, और तुम देखा कि जो मोदी साहब ने नोमीनेशन फाइल किया तो भी बादल साहब के चरणों में हाथ ला के आशीर्वाद लिया। जो प्रधानमंत्री की ओत लगती उदों भी बादल साहब अकैडमी उत्ते बुलाया से उन्होंने चरणों में हाथ ला के आशीर्वाद लेके फिर ओत लगती। ये साढ़े संबंध है और बादल साहब को अभी छड़ नहीं सकते, साढ़े तो बहुत बड़ा संकट था। पर सुखबीर सिंह जी ने बहुत बड़ा साढ़े वास्ते सौखा करता, हालांकि वो जो बिलों के उत्ते उन्होंने छड़िया वो बिल उन्होंने सहमति नाल पास हो उन्होंने उन्होंने बिलों के उत्ते और कहा भी ये तो बहुत वधिया किसान वास्ते मोदी साहब ने अच्छा काम किया। वो उन्होंने इंटरनल कलैश है, उन्होंने लगे भी साढ़े को सिख समुदाय बिखर रहा, सिख समुदाय झगड़े हो गए, कुछ होर हो गए, इस करके उन्होंने घर से धरने लग गए, वो मुद्दा से होर से लगे थे, इस करके घबरा के उन्होंने बीजेपी संबंध का जरूर होया। लेकिन उन्होंने सो मोटो किया, असं उन्होंने कढ़िया नहीं, उन्होंने उन्होंने जान वास्ते नहीं किया, उन्होंने अपने आप। तुम सर इन सिख समुदाय क्यों मान रहे हो? ये तो किसान अंदोलन है, सिखा का तो अंदोलन नहीं है सर, ये तो किसान अंदोलन है। तुम ये क्यों कह रहे हो कि सिख समुदाय श्रोमणी अकाली दल नाराज हो रहा है? लड़ाई इसे गल की है, असी देखो 117 कैंडीडेट खड़े करने, किसान भी होंगे, सिख भी होंगे, दलित भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, उदे इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, छोटे बड़े हर तबके के लोगों को असी खड़े। और असी नाल इस गल होर भी कही है, देखो असी सिर्फ 5 दलित सीटा लड़ते सी, 34 सीटा इतने दलितों दियाँ और चौकिया चो हूँ असी 5 की बजाय 34 लड़नी है। 29 कैंडीडेट से होर ढूंढना, एक होर असी नारा दिता, नारा नहीं साडा विचार है। हूँ तक पंजाब दे विच जिन्ने मुख्यमंत्री बनो दलित कोई मुख्यमंत्री नहीं बने, असी कह भी असं दलित मुख्यमंत्री पंजाब बनावे सू मजोरिटी दो। और ये चर्चा बहुत जोर नाल साड़ी विरोधी पार्टियां कर रही, साथ दो लैवी देखो जी दलित चीफ मिनिस्टर की गल करके साढ़े दलित तोड़े अज तक इन्होंने तोड़न की कोशिश नहीं की। हाँ साढ़े को दलित आ जरूर है और अच्छे दलित आ रहे हैं, पढ़े लिखे दलित आ रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर आ रहे हैं जेडे कि साढ़े च आके काम करना चाहते हैं। तो 117 कैंडीडेट ढूंढन की सू कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो एजिटेशन किसानों का चल रहा है बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मैं थोड़े दिन पहले एक बयान दिता है, उन्होंने बेनती की है कि भाई तुम आओ गलबात करो, जितने भी कहो अभी आ जाने, तुम्हें डायरेक्ट गलबात की सू पंजाब यूनिट ने तो शामिल नहीं किया। हूँ पंजाब यूनिट की सोमवार को कोर ग्रुप की मीटिंग हुई तो उत्ते फैसला लिता है, मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं किसान नेतावान गल करके इन्हों टेबल पर लिया और अपनी सरकार भी अपनी पार्टी के नेतावान भी इस गल वास्ते आगा करा दसा भी ये निपटा बहुत जरूरी है। किमें निपट सकता है वो तो फिर दोनों के दरम्यान गलबात होगी। और मैं बहुत खुशी है कि किसान दे एक दो नेता ने मैनू
सहमति भी देती है जिथे तुम कहो से उत्थे बैठनी है। मित्तल साहब तुम कह रहे हो कि पंजाब स्टेट लीडरशिप नहीं पूछा गया, पंजाब स्टेट लीडरशिप तो सर उत्थे बैठी रही है, मिस्टर जियानी उत्थे बैठे रहे, हरजीत गरेवाल उत्थे बैठे रहे है, वो कहते असी गलबात करवा रहे हैं, तुम एक कोआर्डीनेशन कमेटी भी बनाई सी, जियानी साहब उनके चेयरमैन है, जियानी साहब उद्दू बाद रौला पा के उत्थे गए, पहले कहते मेरी गल नहीं सुनी जा रही, हुण तुहाडी स्टेट लीडरशिप तुहाडे तों बागी हो रही है, अनिल जोशी कुछ होर कह रहे हैं, मास्टर मोहन लाल कुछ होर कह रहे हैं, उन्होंने समर्थन में केडी भंडारी भी उतर आए हैं। मैं ये नहीं कहा भी साडी केंद्र ने गल नहीं सुनी, केंद्र ने साडी गल सुनी, असी जाके सारी गल दसी, दिल्ली मीटिंग हुई, चंडीगढ़ मीटिंग और वक्तन वक्तन फिर मीटिंग होंगे रही। मैं क्या भी किसान नेतावान ने सानू कॉन्फिडेंस नहीं लता, स्टेट यूनिट नहीं लता, ठीक है जानी जी ते हरि गिरेवाल जी ने भेजा सी उत्थे वो गल सिरे चढ़ नहीं सकी, हुण अगेन असी मंडे नू विचार किया भी ये डेडलॉक तो खत्म नहीं जब तक करांगे ते पंजाब और हरियाणा में शांति किवें होगी, और फिर उत्थे विचार होया, मैं कहा सी प्रधान जी नू कि तुसी बयान दो, तुसी कहो भी सानू दसो कित्थे बैठना, असी आउण नू तैयार हां, साढ़े घर आना है, साढ़े घर आ जाओ, थोड़े घर कुछ, थोड़े घरों कुछ नहीं, तुसी अधिकार थोने अधिकार है, तुसी ये बयान दो, थोड़े बयान नाल चर्चा भी होगी, और किसान नेता बाई चांस लाइन से मिल गए तो उन्होंने जी गल हुई चैनल पर ही गल हुई, और मैं उन्होंने कहा भी बाकी गल चैनल पर नहीं मैं कर सकता, अपन मिलकर करांगे, बहुत जल्दी उन्होंने मेरे इस सदे को स्वीकार किया और कहा भी असं थोड़ा मान करते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी असं मीटिंग करके चंगी लगे शायद अपील करके मना लिये, ऐसा नहीं होता कि जब डेडलॉक हो जाता है तो उस कोई ना कोई कोई बड़ा आदमी भी कर सकता, कोई छोटा आदमी कर सकता, मेरे जैसा छोटा मेरा स्टेचर तो प्रधानमंत्री के बराबर तो नहीं, पर मैनू तजर्बा है, मैं खुद खेती करता, मेरे नानके खेती करते हैं, मेरे ससुराल खेती करते, सारे खेती करने वाले लोग हैं, सानू पता भी क्या क्या तकलीफ है, असी उहदे विच हो सकता मददगार हो सकी। सर खेती कानून चंगे है जिहड़े सरकार ने बनाए है, डेढ़ साल होल्ड पे है, मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसानों नाल गल कर तीनों तबसरा कर दूं कोई थोड़ा तो माइंड पहले ही बनेगा, ये उन्हां नाल डिस्कस करांगे, उन्हां नूं पुछांगे भी दसो तुहानू किहड़ी गल दे च माड़ी लगती है, आपां उस गल दे उत्ते अगर मैं अपने आप नूं कोशिश करूंगा कन्विंस होके मैं भी रखूंगा। नहीं मित्तल साहब ये मानते हैं कि स्टेट लीडरशिप ने गलत बयानबाजी की है कि बिल वापस नहीं होंगे, कानून वापस नहीं होंगे, मतलब ये बयानबाजी गलत गलत हुई है, मित्तल साहब ये मानते हैं? ये कोई गलत बयानबाजी नहीं हुई, कोई किसी ने नहीं कहा भी कानून वापस नहीं होंगे, ये तो केंद्र का अपना स्टैंड है कि कानून वापस नहीं ले रहे, अस भी कद कह रहे वापस लो, अभी तो कहने जो फैसला करना एक पास कर दो, जो सोध करनी सोध कर दो, या इन सस्पेंड कर दो, जो करना है जिदे नाल के पंजाब दा किसान सहमत हो जाए और सैटिस्फाई हो जाए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा भी असं डेढ़ साल लिए पेंडिंग कर देने नहीं लागू करा, डेढ़ साल नहीं था दो साल में लागू कर देंगे, पर वह भी दोनों का पक्ष सुन के दोनों के दरम्यान जो सांझी रह बनती है वो मुताबिक लागू करने की गल है, होर कोई झगड़ा नहीं। चलो मैं एक छोटा ब्रेक लूँगा मित्तल साहब, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया डेढ़ साल के लिए, स्टेट लीडरशिप ने बीजेपी जी ने बयान दिए है कि बिल है जो कानून है वापस नहीं होंगे, मित्तल साहब कहते हैं मैं इससे कोई बयान नहीं देना चाहता, मैं किसान नाल गल करना चाहता, इहदा मतलब स्टेट लीडरशिप में वखरीवां है। वापस आ रहे हैं अगले सवाल होंगे जरूर। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं, मदन मोहन मित्तल बहुत ही सीनियर आगू साडे नाल मौजूद है कि मित्तल साहब साबका कैबिनेट मंत्री है ते पंजाब स्टेट लीडरशिप दे विच बहुत वड्डा नाम है। मित्तल साहब तुहाडी पार्टी ते इल्जाम लगते रहे हैं कि हुण भी लगते पए है कि तुसी खालिस्तान दी मूवमेंट नूं हुंगारा दे रहे हो, तुसी पाड़ के राज करना चाहुंदे हो, एक नाल राज नहीं करना चाहुंदे। मित्तल साहब ना तां मेरी पार्टी ने कदे हिंदू और सिख दा मुद्दा उठाया, ना मेरी पार्टी ने सिखां नूं फड़न दी कदे गल कीती, सिखां नूं फड़ के लड़ाण दी गल अगर अज तक किसी ने कीती है तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हर नेता नूं हिंदू और सिख लड़ाण दी भी उन्होंने कोशिश की और सिखां नूं सिखां नाल भी लड़ाण दी कोशिश की,
ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਚੋਂ ਅਖਬਾਰ ਲਿਸਤਾਂ ਚੋਂ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਸੈਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਜੱਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ OBC ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਘੇਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰੋ, ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਘਰੋਕ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਜੁਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਗਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੁਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਵ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਖੋਲ ਤੇ ਮਾਲ ਫਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਸਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੁਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਟਦਾ। ਠੀਕ ਮਿੱਤਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ MSP ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਸਲ ਖੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ,
और लिया के पंजाब या हरियाणा बॉर्डर ते आके भेज देते उनको तो एमएसपी मिलती थोड़े तो क्लियर एमएसपी मिलती है। सो मैं ये कहना चाहना कि बाकी बहुत सारे सूबे कदम कुछ और किसानों असि तो अच्छा अभी तो मानते भी ठीक है कानून बन गए कानून बने हैं कानून किसानों के हित वास्ते सारे बने हैं अगर उसकी कोई दिक्कत है तो अभी कह उन्होंने कहता अभी नहीं लागू कर दिया होगा डिस्कस कर लेंगे। सो आई थिंक माई पार्टी माई लीडरशिप इज वेरी लिबरल उन्होंने नहीं कहा भी अभी लागू करा सरकार ने होल्ड किया मैं कह भी अभी ऑफर दी अभी होल्ड कर लें पर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई रिपोर्ट आया शायद नहीं हुई वह भी नहीं मानते और उन्होंने शामिल होने मना कर सो आखिर किसी को तो मानना पड़ेगा रब न तो मानना ही पड़ेगा जो रब का कोई नुमाइंदा वो गल मान लो ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੈਕ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ रख नहीं सके या अड़ नहीं सके मैं अनिल जोशी ने मेरी बड़ी खुल के मुलाकात हुई है और जेड़ा डेलीगेशन किसानों मिलेगा अनिल जोशी भी मैंबर हो साडा सीनियर वर्कर है जुझारू वर्कर है तीन बार एमएलए रहा है मंत्री बन लिया और डिप्टी लीडर रह लिया उन्होंने अभी किवें छड़ देंगे मास्टर मोहन लाल भी बहुत सीनियर है स्वागत प्रधान बनन का मास्टर मोहन लाल ने किया कह के मेरा पुत्र है मैं बहुत खुशी है कि पंजाब का प्रधान बने मित्तल साहब तुहाडे जिहड़े सूबे दे प्रधान बनते हैं इन्हां दी जिहड़ी थल्ली लीडरशिप उन्होंने बनती क्यों नहीं ऐसा नहीं बनती नहीं किसी किसी का मतभेद हो जाता किसी गल से कई बार ज्यादा कई बार कोई वर्कर ज्यादा मंग आती लगता है मेरी ये प्रधान नहीं मैं दिता मेरा पूरा ड्यू ऐसे साधारण गल है। चलो मैं एक होर छोटा ब्रेक ठीक है मैं एक होर छोटा ब्रेक लेना मित्तल साहब वापस आऊँगा अगले हिस्से में असं आवेंगे आखिरी हिस्से में पंजाब के लिए बीजेपी को प्लान की है क्योंकि पंजाब बहुत व्डे आर्थिक संकट के गुजर रहा है पंजाब दे विच होर बड़ियां समस्यावां हैगियां उन्हां समस्यावां दा हल बीजेपी कोले की हैगा किहड़ा बीजेपी कोले ब्लू प्रिंट आ वापस आ रहे एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं मित्तल साहब साडे नाल मौजूद है मित्तल साहब पंजाब दे उत्ते बहुत वड्डा संकट है करजे दा इस नूं हल करन दे लई तुहाडे कोल की प्लान हैगा मित्तल साहब देखो सब तो बड़ी गल है कि जो भी प्लान बनता है उहदे लोगों दी इनवॉल्वमेंट कर लोगों नूं विश्वास च लैणा और लोगों की इच्छा दे मुताबक योजना बना के जिहड़ी उहनां नूं विकास दे विच कारगर हो सकती है उस ढंग दे नाल जां कोई सरकार काम करदी उहदा लाभ और मेरी पार्टी दा हमेशा असूल है हुण वी असीं जिहड़ा मैनीफेस्टो बनाउणा जनता जावांगे और उन्होंने रह लेके मैनीफेस्टो बना जो गलां दसंगे मैनीफेस्टो च लिखांगे ताकि उन्होंने लगे भी ये साडा मैनीफेस्टो है ये बीजेपी का मैनीफेस्टो नहीं और सबसे बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वास्ते किसान की खेती भी वधिया होवे खेत लै लांदे होण उन्हें पूरा कीमत मिले मजदूर नूं मजदूर मिले बेरोजगार नौजवान नूं कम मिले पढ़ाई दे ठीक इंतजाम होन दवाई मिले हस्पताल होन स्कूल होन और
हम देखो प्रधानमंत्री ने 8 महीने का राशन फिर देता, कहता भी नहीं जेडे गरीब लोग है ये हुण कोविड आम दे कारण राशन देता दिवाली तक। सो ये तो जिहड़ी सरकार जनता नूं भरोसे च लैके चलेगी, अज पंजाब दी सरकार दे उत्ते किन्ने सवाल उठदे पए आ दसो, कोविड वास्ते जिहड़ा समान करे उहदे सवाल उठ रहे। सो इस करके सानूं ये सारा जिहड़ा कम है ये नाल नाल जनता नाल इंटरैक्शन होंदा रहूगा, ठीक है। तुम क्या भी स्टेट गवर्नमेंट से बड़े सवाल उठते पे, तो ठीक कह रहे हो, तो वेंटीलेटर का भी सवाल चुकते पे। सर मेरा सवाल यह है कि जो PPA तुहाडी सरकार वेले होए सीगे पावर परचेज एग्रीमेंट, कि उन्होंने रिव्यू करने का BJP का प्लान है, मैनीफेस्टो में शामिल होगा? मैनीफेस्टो जब फाइनल होगा उदो बोलूंगा, अरे क्या मैनीफेस्टो देना क्या नहीं देना मेरे वास्ते बोलना ठीक नहीं। PPA रिव्यू करना चाहते हो मित्तल साहब या नहीं? किड़ा PPA रिव्यू करना चाहते हो तुसी? पावर परचेज एग्रीमेंट तुहाडी सरकार वेले होए सी जो तुसी अकाली दल नाल सीगे। अगर जरूरत होएगी जरूर रिव्यू करांगे, अगर एग्रीमेंट दी लोड नहीं है तो नहीं भी लागू करा। क्वेश्चन है कि पावर जिनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और लोगों के उत्ते जिहड़ा इन्ना हर बार बिजली के रेट वधाए जा रहे वो किसी तरीके नाल उहनूं किते कट लां दे। कामयाब नहीं हो सके माफिया राज दा मेन रीजन है पंजाब दी डिस्टरबेंस दा, किते लैंड माफिया है, किते आबादी माफिया है, किते रेत माफिया है, किते बरी माफिया है, किते ड्रग माफिया। ये जिहड़े कैप्टन साहब ने गुटका साहब हत्थ फड़ के कसम खाई थी वो पूरा नहीं कर सकते। जिहड़े इलाके जो तुसी आउंदे हो मित्तल साहब उत्थे माफिया का बड़ा बोलबाला है, उत्थे बड़े एलीगेशन लगते पे है, तुहाडे हिसाब दे नाल ये समस्या का हल किवें हो सकता है? मेरा इलाका तो जिहड़ा आनंदपुर साहब जी, मैं आनंदपुर साहब नंगल मेरा एरिया वो हल्का है मेरा, उत्थे नहीं है इन्ना बोलबाला। बोलबाला तो पंजाब के जिहड़े दूजे इंटरनेशनल बॉर्डर और सरकार दे बंदे इनवॉल्व ने। मेरे इलाके जिहड़ा माफिया है वो रेता ते बजरी माफिया है, और रेता बजरी उत्ते धरने लगे हुए हैं, कोई उहदा हल नहीं। हालांकि NGT ट्रिब्यूनल ने भी एक्शन लिता है, हाई कोर्ट ने भी इंटरव्यू किया है, उन्होंने डेपूटेशन के उत्ते भेजा, मौके से फड़ भी लते, फिर भी सरकार उन्होंने बंद नहीं कर रही क्योंकि वो सरकार करा रही, सरकार ने जिहड़े उत्थे उहदे इदारे उह करा रहे हैं, जिहड़े सरकार दे उहदे ते बैठे उह च इनवॉल्व है, उहनां दे रिश्तेदार कर। सर BSP अकाली दल नाल तुर पई है, BJP नूं नुकसान होगा BSP दा अकाली दल नाल गठजोड़ होया? पहले अपना समझौता तो फाइनल कर लें, सीटां दा एडजस्ट कर लें, ताकि उहदा सानूं कोई नुकसान नहीं, चंगा उह लड़न आपस मिल के क्या रिजल्ट होगा तो सामने आ जाएगा, और समझौता जब आखिर दम तक देखना पूगा भी सिरे चढ़ता है कि नहीं चढ़ता, लेकिन साढ़ा जरा समझौता सारे पंजाबियों ने। एक आवाज़ ये भी उठती पी है भी जो मर्जी BJP चाहे मायावती के उत्ते जोड़े केसिस है उन्होंने खोल के जो मर्जी यह समझौता तड़वा भी सकती है, इन एलीगेशन कोई दम है? मेरी पार्टी और मेरी लीडरशिप इदा के तरीके जिन्होंने पंजाबी कहने हर वे इस्तेमाल। श्रोमणी अकाली दल का ग्राफ क्यों डिग्गिया पंजाब दे विच? श्रोमणी अकाली दल का ग्राफ क्यों डिग्गिया सर? देखो जो पार्टी अकाली दल का ग्राफ इस करके है कि उन्होंने अपने बंदे तैनात छड़ गए, एक है भी सुखबीर सिंह बादल सिख लीडरशिप को कंट्रोल नहीं कर सका, और मैं सारे क्राइसिस अकाली दल के लड़ाई झगड़े मस्तारा सिंह की कमांड, सरदार संत फतेह सिंह की कमांड, और आज बादल सिंह की कमांड, दौरा साहब की कमांड, सारी देखी है बड़ी नेड़े से देखी। मित्तल साहब का कदे मन करता है कि अकाली दल ना तुरया जावे दोबारा? अकाली दल ना तुरंगे कि
दलित सीएम बनने दे नाल पंजाब दे दलितां दीआं समस्यावां हल हो जाणगीआं सर? डेफिनेटली कर रहे, हूँ भी कर रहे। भारतीय जनता पार्टी दलितां दी समस्या भी हल कर रही है। साढ़े कोल इक लोकसभा सीट है दलितां चों, चार सीटां इत्थे, तिन्न अकाली दल लड़दा सी, इक लड़दा है। और देखो पहले विजय सांपला जी जिते सी, वह भी मंत्री सीगे केंद्र च, बड़े इंपोर्टेंट महकमे दे। इस बार सोम प्रकाश जी जिते है, वह भी बड़े इंपोर्टेंट महकमे के केंद्र च मंत्री है। सो असी दलितां दे नाल है। और देश दे अगर टोटल गिनती करो भी ओबीसी या दलित किहदे कोल ज़्यादा एमपीज है, एमएलए है, उहदे भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल होर किया जाता मित्तल साहब कि आरएसएस का चीफ दलित क्यों नहीं बनाती बीजेपी? आरएसएस का चीफ दलित क्यों नहीं बनाती बीजेपी? आरएसएस में कोई रुकावट नहीं है दलितों को आगे लिया नहीं। आरएसएस का चीफ हजे तक दलित नहीं बनया सर, कोई सवाल यह है? नहीं, वो तो कोई जरूरी देखो, ये पहले बहुत बड़ी चर्चा थी कि आरएसएस का चीफ जिहड़ा बंदा है वो नागपुर का बंदा, ब्राह्मण बंदा है। तुम्हें पता होगा कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजू भैया उन्होंने कहते थे, और बीपी सिंह उन्होंने स्टूडेंट से बनारस यूनिवर्सिटी, वो भी आरएसएस के चीफ बने। लोगों ने कहा कि देखो ये बड़ा भारी करिश्मा करता, आरएसएस ने अपना चीफ ब्राह्मण छड़ के ठाकर किवें बनाता, वो तो मैरिट ते जिहदा नंबर आता। बहुत शुक्रिया मित्तल साहब, तुसीं बड़ी बेबाकी नाल अपनी राय रखी है। मित्तल साहब बहुत ही सीनियर आगू ने, ते मित्तल साहब ने जिस तरीके गलबात की है उस तो उन्होंने तजर्बा यह दसदा पाया कि सीधे तौर पर किसान टकरा लैन का कोई मुद्दा नहीं हैगा। गा स्टेट लीडरशिप में जिहड़ियां बयानबाजियां हुई हैं, हालांकि मित्तल साहब ने सीधे तौर पर नहीं पर असिधे तौर पर उन्होंने खारिज किया कि किसानों नाल बैठ के गलबात करनी चाहती है। स्टेट लीडरशिप में यह गल समझनी चाहती है कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को किस तरीके काम करना चाहिए, केंद्र नाल किवें राबता करवाना है, बीजेपी किस तरीके केंद्र नाल गलबात अगे तुरवा सकती है। बहुत सारे सवाल है, बीजेपी का प्लान भी पूछा असी 2022 के लिए बीजेपी का प्लान की हैगा। मित्तल साहब ने बहुत चीज़ा दसियां पर बहुत चीज़ा जड़ियाँ उदों साफ हो जो चोणा नेड़े आनगियां, पर इस वक्त बीजेपी के लिए पंजाब संकट है। तो मदन मोहन मित्तल जिस तरीके ये गल कह रहे हैं उन्होंने गलों तो यह लगता पाया कि किसानों गलबात है वह राह जल्दी खुलन जा रहा, जे राह खुलेगा तो फिर गलबात सिरे चढ़ेगी, उस तो बाद संघर्ष है जोड़ा आपदा मंगा मुका के समाप्त होंगे ज संघर्ष जिमें पेल तार पीड़ो करने की कोशिश की जा रही थी कि वह जारी रहती है। बहुत सारे सवाल है, इन्होंने सवालों का जवाब भविख मिलेगा, पर इस वक्त बीजेपी के लिए संकट की है, बीजेपी के लिए अंदरूनी संकट भी खड़ा हो गया। इसलिए बीजेपी को बैठक भी करनिया पैनगियां, तो सोचना पवेगा दलित सीएम वाल जो उन्होंने प्रचार किया है उस दलित सीएम के प्रचार के विचाले जमीन तो उन्होंने को रोडमैप है कि बहुत धन्यवाद।